अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप? तो यार मैं भी आया था ना, इनके पास आया था। और ये तू इसके घर में क्या कर रही है हैं? तेरा घर वो है तो उसके अंदर तू रह, तब भी ये नहीं समझती। तो यार आप लोग को जैसे पता होगा कि इसकी तो तबीयत ख़राब थी और उसकी भी हो गई थी, तो मैंने इसको नीचे ले आया था मेरे बाथरूम के अंदर, ताकि है ना हमें इसकी प्रॉपर मेडिकेशन कर सकें और इनको पानी दे देते हैं उसके अंदर। बस इनको यहाँ तक पानी दे देते हैं यहाँ पे और इनको रख देते हैं। अभी बस मिस्त्री की बारी है, वो पी लेना तो वो हो जाएगी। पी ले यार, पी ले। मिस्त्री की पता नहीं तबीयत ख़राब हो रही है और यह क्या मसला है। पी लिया पी लिया पी लिया पी लिया। चले भाई ये पीते रहेंगे, हम फिर छत पे चलते हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि हमारा है ना केज का काम शुरू हो चुका है आखिरकार। तो आज है ना वो अपने काम करने आ चुके हैं और मैं अभी ऊपर देख कर आया, इतना सारा काम हो चुका है। तो चलो जल्दी से इनको फारिग करके फिर हम ऊपर चलते हैं। इसको ना यहाँ कोने में डाल दिए ताकि है ना ये यहाँ पे आके टक्कर मार के गिराना रहे। ये रहा ये रहा। तो यार अभी मैं आया तो ऊपर ठीक है, छत पे मैंने इनको है ना खाना वाना दे दिया था। अबे यार और एक दो स्पेशल चीज़ें इनके लिए आज मैं लाया हूँ। एक तो ये वाले, अब ये ना इनको देखते हैं खाते हैं या नहीं खाते हैं। अरे शौक से खा रही हैं ठीक है, इनके थोड़ी दाल ही देते हैं इनको, क्योंकि फिर ये ना ज़्यादा टाइम रहेंगे नहीं, मिक्स फीड दिए थे। तो ये इनको बड़ी पसंद है ये दोनों चीज़ें। अभी मैं ऐसा ना अभी ऐसी दोनों चीज़ें हर दफ़ा मैं लाऊँगा। और भाई अभी तक इन्होंने कोई भी अंडा नहीं दिया, ना तो इन लोग ने नेस्टिंग करनी शुरू की ना तो कुछ, लेकिन चलो यार कभी ना कभी तो ये अंडे बच्चे दे ही देंगे। और यह ना मैं इनके लिए चावल वगैरह भी लाया था मुर्गियों के लिए, लेकिन अभी है ना मेरा दिल है ना पलट चुका है, क्योंकि अगर मैंने अभी दे दिया ना तो ये सारे घास ये लोग ज़ाया कर देंगे। तो भाई ये लोग है ना अभी प्लास्टर वगैरह कर रहे हैं, अंकल वहाँ पे प्लास्टर कर रहे हैं और ये वाला अंकल सफाई, और पता नहीं वो वाले अंकल क्या कर रहे हैं, लेकिन इनको करने देता हूँ और मैं टाइम मोड में लगा देता हूँ। तो यार अभी है ना अंकल हमारे जो मजदूर अंकल है वो वजू वगैरह कर रहे हैं और वहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे हैं वो साइड पे। तब तक मैं आपको दिखा दूँ ये थोड़ा। तो भाई देखें ये इतना बना हुआ है, ये पहले चले जाए ना मजदूर वगैरह भाई, तो उसके बाद मैं आपको समझा दूँगी क्या 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 हिसाब से हम बना रहे हैं। सांस फूल गई। और ये टोटल आई थिंक तो सात या छः फीट का है ठीक है, ऊपर हाइट के अंदर। ये आप पहले दूर से देख लें थोड़ा ठीक है, अच्छा खासा लंबा है। तो यार सही इसके अंदर भी खर्चा आ गया हमारा। तो ये अंदर है ना यहाँ से भी है ना अंकल ने वो बनाया हुआ है, ये देखें सुराख किया हुआ है ताकि बारिश वगैरह कुछ भी हो ना तो उसको है ना कुछ भी ना हो ठीक है। आपको मैं ऊपर जाके दिखाता हूँ क्या ना कैसा भी आता है ऊपर से। तो यार मैं ऊपर आ चुका हूँ ठीक है, बहुत ही ज़्यादा देर के लिए। तो यार ये देखें माशाल्लाह से यार कितना अच्छा लग रहा है यार हमारा ये नया क्या कहते हैं नया केजेस जो हमारे नए बन रहे हैं ठीक है। ये टोटल पाँच, एक दो तीन चार पाँच, टोटल पाँच केजेस बन रहे हैं, वो भी बड़े बड़े जैसे कॉलोनीज होती है ना वैसे बना रहे हैं हम लोग। फजर को असल में हमारे क्या था क्या है ना, आय हाय मैं फजर में स्कूल गया था एग्ज़ाम देने के लिए, एग्ज़ाम जैसे देना मैं घर आ गया वापस, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। तबीयत ख़राब हुई तो फिर हम लोग है ना कहीं गए थे, हमें जाना ज़रूरी था। तो अभी हम 5 बजे अभी आए, तो अभी देखा तो यार ये लोग ने इतना सारा काम कर चुके थे ये लोग। अरे अच्छा अच्छा ये रहे अंकल, अंकल इधर आ गए, ये अपना सामान वगैरह ले रहे हैं। इनको तंग नहीं करते वरना ये हमारे पे हो जाएंगे, क्योंकि ये ना मतलब वीडियो कैमरा के सामने इतने वो नहीं है ना, तो इसलिए इन्होंने ना मेरे को मना किया। जैसे मैं बनाने लगा ना तो दूसरे अंकल आए, उन्होंने बोला कि यार नहीं बनाओ वीडियो, क्योंकि है ना उनको नहीं, क्योंकि होता है ना यार किसी को नहीं होता कैमरा के सामने कोई नहीं हो सकता आगे आ सकता, तो वैसा हो गया अंकल के साथ। यार मजदूर तो चले गए हैं और आप लोग के लिए सब के लिए यार मेरी तरफ से खैर मुबारक मुबारकबाद ईद मुबारक, और जुत्ती भी होती है ना जैसे बच्चा मुबारक, फिर शादी मुबारक, जो भी आता है ना यार
सारी मुबारकबाद ले लो, क्योंकि यार हमारा है ना आखिरकार हमारे केज का तामीरी मंजर शुरू हो चुका है। इतना वाला बड़ा 300 वाले सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशल थैंक्स कहना था, तो इसलिए मैंने सोचा सरप्राइज इनको दे दे। कभी ना कभी मतलब इसके अंदर मुर्गियां रखते हैं, या तो कभी इसके अंदर मुर्गियां, जो कि बिल्कुल ही ठीक नहीं है, क्योंकि यार ये है हमारा किचन। किचन की देखिए हालत क्या की है, वहाँ पे चूल्हे के ऊपर मैंने कबूतर रख दिए हैं। और ये हमारा बाथरूम, ये बाथरूम की हालत देखें, ये बाथरूम ज़्यादा बाथरूम नहीं लगता, बल्कि ये कोई पब्लिक टॉयलेट होता है ना वो लग रहा है मेरे को। तो है ना मैंने और मेरे पापा ने ना बहुत टाइम से हम सोच रहे थे कि छत के ऊपर है, क्योंकि देखो मेरे को भी बड़ा जानवर का शौक है और मेरे अबू को भी है बहुत। तो हमने सोचा एक है ना मतलब बड़ा मतलब कॉलोनी टाइप बनाते हैं, जिसके अंदर है ना मतलब हम सारे के सारे कोशिश करते हैं कि सारे सारे जानवर आ जाए। इनकी छत बाकी है और इनके दरवाजे फिर सेपरेशन ये सारा बाकी है, ठीक है। और हम ऐसे भी कर सकते हैं क्या है ना बीच में पार्टीशन लगा दें और थोड़ी चीज़ें ऊपर रख दें और थोड़ी नीचे। हाँ तो यार मैं कह रहा था क्या है ना, मैं सोच रहा हूँ क्या है ना मैं ये वाले केजेस के अंदर क्या क्या रखूँगा। मैंने सोचा है कि यार मुर्गियाँ रखेंगे पहली बात, तो फिर टर्की अगर होगा टर्की रख देंगे, फिर डकार आ रहा था, फिर फिंचेस वगैरह रख देंगे, कबूतर रखेंगे, फिर अगर हुआ इंशाल्लाह तो जैसे टर्की इधर आ जाएंगे ना, तो फिर हम मोर वगैरह या कुछ भी अच्छी अच्छी चीज़ें लाएंगे ना, तो हम इसके अंदर रख देंगे। अभी प्लान तो बहुत है आगे जाके, बस आप लोग को सपोर्ट करता रहना होगा ताकि है ना हम ज़्यादा ज़्यादा है ना बढ़ते रहें और आप लोग के लिए भी है ना अच्छा कॉन्टेंट आए और मेरे को भी है ना बहुत बड़ा मोटिवेशन हो। इस थोड़े एक दो महीने के अंदर ना आप लोगों ने थोड़ा सपोर्ट कम कर दिया था, तो ना मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो गया था। अब इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ ये केजेस बनने के बाद मोटिवेशन मिलती रही। और आज है ना इनका प्लास्टर का भी काम रहता था, तो है ना इन लोग ने सिर्फ अभी तक ये देखें, ये सिर्फ ये एक ही दीवार है ना ये प्लास्टर की। और तुम लोग सोचते होंगे कि यार ये इतनी सारी जगह क्यों छोड़ दी तुम लोग ने, ये यहाँ पे डाल देते तो और बड़ा बन जाता, एक और आपका केस बन जाता। सीबीसी का मसला अगर उन लोग ने देख लिया ना कि मतलब सामने ये हो रहा है, और इससे तो हमने थोड़ा ऐसे किया है ताकि अगर सीबीसी ने वाले देख लिया तो फिर ये लोग तोड़ देंगे आके, तो हम नहीं चाहते कि टूटे, तो इससे है ना हमने दोनों तरफ से ना थोड़े थोड़े गैप छोड़ दिए। तो यार आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद ज़रा सी भी पसंद आई है ना इतनी सी तो यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। शेयर करोगे तो यार मोटिवेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।